नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार की जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिनों के सोनीपत दौरे पर रहे। सीएम मनोहर लाल इस दौरान सोनीपत को सौगात देते नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कई विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। उन्होंने खरखौदा के दहिया मेमोरियल में आयोजित समारोह में दादा कुशाल सिंह दहिया और परमवीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर होशियार सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण किया। दोनों महान हस्तियों को सीएम ने नमन किया। सांसद रमेश कौशिक और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ के कारण गाँव पानी में डूबे हुए हैं, सरकार की ओर से हर प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई सरकार करेगी और इसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा की सड़कों के लिए 25 करोड़ का टेंडर हो गया है। जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। सीएम ने खरखौदा में कहा कि आज बहुत सुनहरा अवसर है जब इस इलाके की दो महान विभूतियों को याद करने का मौका मिला है। मूर्तियों का अनावरण किया है। दादा कुशाल सिंह ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, गुरु के प्रति बड़ा बलिदान दिया है और गुरु के बदले अपना शीश दे दिया। कर्नल होशियार सिंह में बचपन से देशभक्ति का भाव भरा था। उसने पाकिस्तान के हमले को विफल किया। दोनों ने एक नाम दिया है समाज और इलाके को, देश के प्रति समर्पण रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दहिया खाप की सरदारी को लेकर कहा, खाप एक है, प्रधान दो है। खाप पंचायत संस्था है और बहुत बड़ा काम किया है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाने में खापों ने बहुत काम किया है। वो खापों के कार्य का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि सेना में हमारी 10% हिस्सेदारी है, युवाओं में देश की रक्षा के संस्कार है। हरियाणा में 17 लाख से ऊपर पूर्व सैनिकों के परिवार हैं। सरकार ने पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिकों परिवारों के लिए अलग से विभाग बनाया है और परिवार आश्रित को नौकरी व पेंशन देने का कार्य सरकार ने किया है। कुछ काम शुरू हुए हैं, कुछ बाकी भी हैं। आज भी मुझे बताया गया कि इतने काम हो गए हैं, इतने बाकी हैं। खरखौदा शहर कस्बा था, बहुत छोटा, पहले तो गांव था, कस्बा था, अब इसका शुरू बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे आने वाले 2-4 साल में जैसे मानेसर बढ़ा है गुड़गांव के बाद, वो भी छोटा सा गाँव होता था, फिर कस्बा बना, अब उसी प्रकार से यहाँ भी उस स्वरूप को खरखौदा प्राप्त करता जा रहा है। और ये जो IMT खरखौदा बना है, इस IMT खरखौदा में मारुति उसने 800 एकड़ जमीन लेकर के और अपना नया प्लांट लगाने का काम शुरू किया है। 3-4 साल में उनकी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और जब किसी इलाके में उद्योग जाता है तो प्राइवेट उद्योग में समझते हैं उसी इलाके के लोग ज्यादा लगते हैं, इसलिए यहाँ रोजगार भी मिलेगा, व्यापारियों को व्यापार मिलेगा, छोटी मोटी उनकी सर्विस जो और होती है उसके लिए भी कहीं ढाबे होंगे, कहीं चाय की दुकान होगी, होटल होंगे, कहीं होटल कमरे होंगे, कहीं इन सब कामों में स्थानीय जो व्यापारी है, स्थानीय जो युवक है और यहाँ तक हमारे जो किसान है उनकी खपत भी बढ़ेगी, चाहे वो सब्जियां हैं, चाहे फल है, इन चीजों की भी आबादी जब बढ़ती है तो उस इलाके में उसके साथ इस इलाके के अंदर यानी खरखौदा के अंदर जो नए काम कराए हैं, मैंने डीसा से पूछा, वो बोलेंगे कि यहाँ जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है नया, उसका निर्माण हो गया है, लघु सचिवालय और अधिकारियों के लिए आवास, ये क्वार्टर्स भी, फ्लैट भी बन गए हैं, ESI डिस्पेंसरी को इसको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। खरखौदा में बरसाती पानी की निकासी के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये मंजूर हो गया है, बहुत जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। सब यार्ड खरखौदा मंडी को विकसित कर मुख्य यार्ड बनाया गया है। इसी प्रकार सोनीपत रोहतक बाईपास का निर्माण
ये भी 90% पूरा हो गया है, सिर्फ 10% बचा है, बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। इसके लिए भी बहुत शीघ्र उसका उद्घाटन किया अथवा उसकी भी दुआएं, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वार हुई थी 1942, उस समय के जो लोग ऐसे कुछ बचे हैं उनको भी 10,000 का महीना ये हम देते हैं। इसी प्रकार जो इनके बच्चे हैं IIT, IIM, MPhil और PhD करने वाले जो सैनिकों के आश्रित हैं उनको भी अलग अलग छात्रवृत्ति ये दी जाती है। तो इस सारे काम के लिए सरकार हमेशा साथ खड़ी रहती है। सबको अपनी ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से ऐसे जो शहीद लोग हो गए उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, और जो उनके आश्रित परिवार उन सबके लिए भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता समय समय पर आती रहेगी तो उस सहायता को भी बढ़ाते रहेंगे। जहां तक शहीद सैनिक उनके परिवार अथवा जो रिटायर हो गए ऐसे सैनिक उनके परिवार घायल अवस्था में वापस लौट आए ऐसे उनके परिवार, इन सबकी सहायता करने के लिए अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। पूर्व सैनिक और पूर्व अर्धसैनिक इनको देखने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट हमारा काम किया है। पिछले दिनों में जो शहीद परिवार थे उनके बच्चों को नौकरियां ये सरकारें देती नहीं थी, हमने आने के बाद 1971 और उसके बाद के जितने लड़ाइयों में शहीद परिवार हुए उनके सबके परिवारों में से किसी एक आदमी को नौकरी देने का काम किया, और ये 367 नौकरियां पिछले 8 सालों में दे चुके हैं। ये लिया गया बहुत बड़ा एक अभियान, सबसे पहले NGO संस्थाएं इसमें खापे सबसे पहले आगे आई और खापों ने स्वीकार किया कि गांव गांव जाकर के हम लोगों को समझाएंगे कि बेटी को गर्भ में मत मारो, बेटी भी उतना ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है जितना बेटा, बेटियों को बचाने में सबने काम किया, खापों ने बहुत किया। तो मैं खापों की बहुत सराहना करता हूँ कि इस प्रकार के समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए खापे पहले भी आती रही हैं, आज भी आते आ रही हैं, आगे भी आगे आती रहेंगी, इनका मैं समर्थक हूँ। आश्रित हैं उनके लिए 25,000 का मासिक पेंशन ये भी हमने देना शुरू किया है। मित्रों इस समय 415 ऐसे परिवार हैं जो इस प्रकार की पेंशन का जो है लाभ उठा रहे हैं। सेना में जो कमीशन में जाता है उस परिवार को 1,00,000 रुपया ये तुरंत दिया जाता है। युद्ध में जो शहीद हैं, शहीद और अर्धसैनिक बल के जवान जो शहीद होते हैं उनको अनुग्रह राशि ये भी हमने 50,00,000 रुपया ये की है। IUD ब्लास्ट में शहीद होने वाले ऐसे परिवारों को भी 50,00,000 रुपया मिलता है। जो घायल जवान है अलग अलग प्रकार की जो उनकी दिव्यांगता है उसके हिसाब से 15,00,000, 25,00,000 और 35,00,000 रुपया ये राशि भी हमने देनी शुरू की है। उसका अनावरण किया मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है। और इसी प्रकार से दूसरी शख्सियत जिनके बारे में हम जानते हैं कर्नल होशियार सिंह जी, वो भी दहिया समाज से ही संबंध रखते थे, सेना में गए और सेना में जाने के बाद उन्होंने कितनी लड़ाइयां लड़ी। बचपन भी उनका एक शिक्षा के नाते देशभक्ति के भाव से भरा हुआ था। रोहतक के जाट कॉलेज से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। 30 जून 1963 को कमीशन में आ गए और उस कमीशन में आने के बाद दोनों लड़ाई सन 1962 उसके अंदर उन्होंने भाग लिया और उन युद्धों में वीरता की जो मिसाल थी। और 1971 के युद्ध में शकगढ़ सेक्टर में दरपाल पर कब्जे का आदेश जो उन्होंने दिया, पाकिस्तान का जो हमला हो रहा था उसको विफल किया। हालांकि युद्ध विराम की घोषणा हो गई थी, युद्ध विराम की घोषणा के समय हमने काफी चीजें आगे बढ़कर के जीत रखी थी। जब ये कहा गया कि युद्ध विराम में आगे नहीं बढ़ना पीछे हटना है, उस समय कहते हैं कर्नल होशियार सिंह ने कहा नहीं, भूमि हमने जीती है, हम वापस क्यों जाएंगे। गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ने से मना कर दिया। तो ऐसे वीर ऐसे बहादुर हमारे कर्नल होशियार से वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे वीरों की याद के लिए समाज जब तक जागृत रहेगा, ऐसे वीरों को याद करता रहेगा, तो उस वीरता के जो लक्षण वीरता का गुण हमारे युवकों के पूर्व में भी संचार होता रहे। इस बढ़िया काम के लिए, इस अच्छे पवित्र काम के लिए आपसे बड़ा और कौन हो सकता है, आप ही को नहीं बलिदान दे रहे। गुरु तेग बहादुर के आंखें खुल गई,
सकता है इस बेटे ने तो मेरा चक्षु खोल दिए। अब इस काम के लिए मैं जो है अपने आप को बढ़ाता हूँ। अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बनाएगा तभी किसी और को बना पाएगा, वरना जो मेरे साथ होगा अपने आप जन जागरण होगा। और ये इसी बात को लेकर के औरंगजेब ने पकड़ लिया, दिल्ली लेके गया औरंगजेब, और गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो धर से अलग कर दिया केवल इसी बात को लेकर। लेकिन उनके जो अनुयायी थे उनका भी इनका जो धड़ है वो तो उनके काबू में आ गया, लेकिन सिर जो है वो जो सैनिक थे जो उनके साथ भाई बंधु थे उनके हाथ में आया धड़। उनका कि इस धड़ को हम लोग जो है वो लेकर के जाएंगे और आनंदपुर साहब जाकर के इसका संस्कार करेंगे। चलती समाज में बुरे लोग भी हैं अच्छे लोग भी, और ये दोनों लकीरें चलती हैं। समाज में अच्छाई है कि बुराई है ये इसी बात पर निर्भर करती है कि अच्छाई की लकीर आगे बढ़ गई या बुराई की लकीर आगे बढ़ गई। और ये काम सामाजिक संस्थाएं बेहतर करती हैं। सरकारें तो बुराई को रोकने के लिए उसकी दंडित कर सकती है, बुरे लोगों को कानून बना सकती है, लेकिन संस्कार देने का काम या तो परिवार से होता है या शिक्षा से होता है, इससे बड़ा भी बड़ा जो काम होता है वो संस्थाएं करती हैं। हाँ पंचायत है ये मेरी संस्थाएं हैं। हाँ पंचायत में उन्होंने बताया कि एक ऐतिहासिक दिन है कि जब दो महान सूरमा दादा कुशाल सिंह दहिया और कर्नल होशियार सिंह इनको याद कर रहे हैं। दोनों का अपना अपना एक इतिहास है। हम जानते हैं कि एक नाम लिया है अपने समाज को अपने इलाके को, देश के प्रति समर्पण धर्म के प्रति समर्पण ये इनकी विशेषता रही है। जहां तक बात है अपने कुशाल सिंह दहिया जी की, गुरु भक्ति और बलिदान ये उनकी विशेषता है। सन 1675 की घटना है जब गुरु तेग बहादुर जी जिनको हम सिखों के नौवें गुरु के रूप में जानते हैं, मुगल शासक औरंगजेब उनका सिर जो है धड़ से अलग कर लिया। शर्त रखी थी कि तुम मुसलमान बन जाओ, उन्होंने मना किया कि मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। बहुत अत्याचार के ऊपर किए, कश्मीरी पंडितों के ऊपर में दबाव डाला गया। कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी के पास गए कि महाराज हमको बचाओ। उनका भाई देखो मैं तो अपने लोगों को कह सकता हूं आपकी सहायता करें और आपकी सुरक्षा करें, हमारे पास जो हमारे सिख कौम के उस समय सिख कौम तो नहीं थी लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे क्रांतिकारी जरूर थे जो सुरक्षा में आगे रहते थे। कश्मीरी पंडितों ने प्यार की कि महाराज तभी बचाव हो सकता है कि जब कोई बड़ा आदमी सबसे पहले इस बात पर अड़ जाए कि हम मुसलमान नहीं बनेंगे, हम बलिदानी देने के लिए तैयार। सोचा विचार किया, अपने बेटे जो बाद में दसवें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी को भी पास बैठे सुन रहे थे, जब गुरु तेग बहादुर जी ने जवाब नहीं दिया तो बालक गोविंद 10 साल की उम्र थी, वो खड़ा हुआ कि पिताजी जो इन्होंने बात रखी है उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खरखौदा का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, मानेसर की तर्ज पर खरखौदा आगे बढ़ता जा रहा है, व्यापारियों को व्यापार मिलेगा, स्थानीय व्यापारी युवक और किसान की फसल की उनकी खपत भी बढ़ेगी, यहां पर ईएसआई डिस्पेंसरी को बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बाद में दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मूर्थल में स्थापित किए गए 135 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया, साथ ही अटल अकादमी व आइडिया लैब को आम जन के लिए समर्पित किया। उन्होंने आर्किटेक्चर ब्लॉक का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कई और बड़ी घोषणाएं भी की। और खुशहाल सिंह और होशियार सिंह सब देशभक्ति का जज्बा, सर क्या बोलना चाहते हैं? आज सोनीपत के इस मेरे दौरे में एक ऐतिहासिक ये काम हो गए कि तीनों ऐसे कार्यक्रम, चाहे वो राष्ट्रीय ध्वज के एक प्रकार का इतना ऊंचा 135 फुट ऊंचे झंडे को लहराने का अवसर डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी के परिसर में रहा हो,
या फिर दया खाप के द्वारा जो दो उनके हीरोज़ हैं जिसमें बाबा खुशहाल सिंह जी, दादा खुशहाल सिंह जी इसको कह रहे हैं, और इसी प्रकार से ब्रिगेडियर होशियार सिंह जी जो बलिदानियाँ उन्होंने दी हैं, उस बलिदानी को याद करते हुए उन दोनों की प्रतिमाओं का अनावरण आज खरखोदा में हुआ है। वहाँ भी लोगों में जज्बा था। मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रमों से आम जनता में भी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत होगी, लोगों को संस्कार मिलेगा, ऐसे कार्यक्रम सब जगह होते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बाढ़ की वजह से किसानों को नुकसान हुआ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग की है कि सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाए, अगर समय रहते कदम उठाते तो किसानों को इतना नुकसान नहीं। ऐसा जैसे उनके समय कभी हुआ ही कुछ ना हो, इस प्रकार से वो बोल रहे हैं। बाढ़ का हर साल हम दो बार मीटिंग करते हैं, बाढ़ रात के लिए, बाढ़ के जो उनके जितने भी उस समय के प्रोजेक्ट होते हैं उनको पास करते हैं, एक बार जनवरी में, एक बार मई में। उन लोगों का काम तो एक ही होता था, मई में एक बार बैठ करके हाथ पला झाड़ते थे। हमने इस बार भी 800 करोड़ रुपए के नई प्रोजेक्ट्स वो बाढ़ राहत के लिए सैंक्शन किए हैं, लेकिन बाढ़ राहत में सामान्यतया जो इस प्रकार के बाढ़ के इंतजाम रोकने के होते हैं वो होते हैं। इतना बड़ा वर्षा का जब एक प्रकोप होता है जिसमें पहाड़ों पर भी वर्षा हुई और एक साथ एक ही दिन में 370,000 यानी क्यूसिक पानी यमुना में आ गया, और उधर पंजाब में भी वर्षा हुई, कुल्लू मनाली में वर्षा हुई, जिसके कारण से वहाँ भी पानी का एक प्रकार से बहाव तेज हुआ। हमारी घग्गर नदी, हमारी मारकंडा नदी, हमारी ये जो टांगरी नदी, सब नदियाँ उसके अंदर उफान आया, तो लगभग 1300 गांव में पानी फैला है। कोई ऐसा नहीं कि एक जगह पानी आया और वो क्यों घुस गया। जब इतना बड़ा सैलाब आता है पानी का, उस समय बाढ़ के जो इस प्रकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन अब चूँकि बाढ़ जो आई है उसमें राहत के कार्य लगातार हमारा एडमिशन लगा हुआ है, लगभग 6,000 लोग उनको हमने राहत शिविरों में पहुंचा। सीएम मनोहर लाल लगातार दौरे कर रहे हैं और जनता को सौगात दे रहे हैं। सीएम के दौरे से सोनीपत की जनता में खासा उत्साह है। सीएम मनोहर लाल ने भरोसा दिलाया कि सरकार जनता के साथ खड़ी है, सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है और उसके तहत ही रणनीति बनाई जा रही है। विकास के हर काम प्रदेश में किए जा रहे हैं जिसकी मॉनिटरिंग खुद सीएम मनोहर लाल कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल आज भी सोनीपत के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने जनसभा को भी संबोधित किया है और सरकार की तरफ से किए गए कामों को गिनाते नजर आए। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने जनता से सौगात भी दी है। सीएम मनोहर लाल सोनीपत के खेवड़ा गांव में पहुंचे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव में पहुंचकर बहुत अच्छा लगा है। बाद में सीएम मूर्थल गांव में भी पहुंचे। सीएम ने कहा कि गांव खेवड़ा में आईटीआई का सीएलयू पंचायत द्वारा होना है और सीएलयू होने के बाद गांव में आईटीआई का काम शुरू करवा दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने गांव में पशुओं के अस्पताल को लेकर कहा कि उसकी मंजूरी दे दी गई है, वो भी जल्द ही तैयार हो जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड कर पीएचसी के लिए स्वास्थ्य विभाग को जमीन ट्रांसफर की जा चुकी है। गांव में संबंधित छोटे बड़े हर काम को जल्द पूरा करवाने की बात कही है। 334 जो यहाँ से खरखोदा होते हुए और झज्जर होते हुए आगे जा करके निकलेगी, ये नेशनल हाईवे। इसी प्रकार का केएमपी केजीपी बल्कि कहना चाहिए, इस साइड उनको केजीपी कहलाएगा। मूर्थल के बाद यानी मूर्थल क्या ये जो कुंडली के बाद उसको केजीपी कहेंगे। दिल्ली के चारों तरफ वाला जो रोड, ये कभी सुनते थे कि ऐसा बनेगा, लेकिन अब बन के तैयार हो गया। इसमें कितना बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को मिला है। उद्योग धड़ाधड़ आ रहे हैं इस जिले में। मारुति का इतना बड़ा सेंटर जो भी खरखोदा में हमने जमीन दी है, 800 एकड़ जमीन उनको मिली है, इस पर एक बहुत बड़ा उद्योग जो ये हमेशा फैलाते रहते थे कि सरकार में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती, कोई कह रहा था कि ये प्लांट जहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, सब लोग धूमधाम के, चाहे विदेश के लोग हों चाहे अपने यहाँ के हों, सब दिल्ली के आसपास के जो जिले हैं इसी में उद्योग लगाना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो सोनीपत हो, झज्जर हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, पलवल हो, रोहतक हो, और अब तो पानीपत तक। ये सारे 7-8 जिले
बहुत अच्छा लाभ इनको उद्योग के नाते मिल रहा है और मैं समझता हूँ यहाँ के नौजवानों को रोजगार भी इस उद्योग के माध्यम से मिलेगा। सरकारी नौकरी तो मिलती है लेकिन साथ में उद्योग के नाते यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ का किसान उसको सब्जी के नाते से, फल के नाते से बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। अभी पीछे गन्नौर में हमने अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनाई और मैंने स्वयं कहा सारे प्रदेश के लोग, खास करके सोनीपत जिले के लोग अपनी सब्जियां, अपने फल वहां भी ला सकते हैं। दिल्ली जैसी बड़ी मार्केट, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी लाभदायक है। मित्रों, कहने के लिए मेरे पास बहुत है। कांग्रेस के लोग घोषणाएं, एक यहाँ का पेंडिंग काम है पशुओं का नया अस्पताल, इसकी भी प्लानिंग बढ़ गई है, सब मंजूरी दे दी है, बहुत जल्दी इसका टेंडर होना है, वो काम भी इसका हो जाएगा। ऐसे ही सब हेल्थ सेंटर खेवड़ा को अपग्रेड किया जा रहा है, इसको पीएचसी के लिए जमीन हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुकी है, जल्दी इसका काम भी पूरा करवा दिया जाएगा। तो ऐसे जितने छोटे बड़े काम हैं सारे, क्योंकि जब एक बार प्रोसेस शुरू होता है तो किसी का टेंडर है, किसी के डीएनआईटी है, कहीं जमीन का मामला है, ये सारी चीज़ें खेवड़ा गांव की, और बहुत जल्दी ये पूरी होने वाली है। मित्रों, अब मैं थोड़ी दो बातें सिर्फ आपको इतनी कहूँगा कि हम लोग 8.5 साल से इस प्रदेश में एक स्वच्छ सरकार, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार, बल्कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी नकेल कसने वाली सरकार, पारदर्शिता वाली सरकार, बिना किसी भेदभाव के, चाहे नौकरियां हो, चाहे बदलियां हो, चाहे सहेलियों हो, चाहे कुछ भी हो, जो एक बड़ा उद्योग चलता था कांग्रेस के टाइम पर, उस उद्योग को बंद करके आज एक विकास के नाते से जब भी जो चीजें सामने आई वो हमने की है। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय है, सड़कों का विषय है, रेलवे का विषय है, मैं समझता हूँ सोनीपत जिले से ज्यादा लाभ लेने वाला और कोई जिला आपको नहीं मिलेगा। सोमवार के कार्यक्रमों की शुरुआत गांव खेवड़ा से हुई। सीएम खेवड़ा में पार्टी कार्यकर्ता के घर जलपान करने पहुँचे और ग्रामीणों को संबोधित किया। सीएम ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल जीत कर लौटे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी खेवड़ा के सुमित अंकिल को मंच पर बुलाकर बधाई दी। क्योंकि खेवड़ा में पहले भी आया था और सुमित अंकिल जो हमारा ये नौजवान साथी, ये मेडल उस समय लेके आया था, लेकिन मुझे आज ये भी बताया कि कल ही, यानी आज लौटे हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और इस गांव के नाम को इन्होंने ऊंचा किया है, इसलिए इनको सराहना करना मेरा काम बनता है। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी हमारी पेरिस में, फ्रांस में, तो वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल किया मैं एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ में। वहाँ पे मैंने 70.83 मीटर लगाई है। पहले भी अच्छा प्रदर्शन रहा है और आज मुख्यमंत्री ने भी आपके मेडल आने पर सराहना की है, क्या कहेंगे? काफ़ी खुशी हो रही है कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री सराहना करते हैं, ऐसे ऐसे मान सम्मान बढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये फ्यूचर में पक्का मेरे को इंस्पायर करेगा कि आने वाले 24 पैरालंपिक्स में या अभी अक्टूबर में एशियन गेम्स हमारे, तो उसमें बेहतर प्रदर्शन करेंगे और देश का मान सम्मान। पहले कितना का रिकॉर्ड था आप? पहले मेरा 68.55 का रिकॉर्ड था, उसको तोड़ के मैंने अभी 70.83 का रिकॉर्ड बनाया। अगली क्या तैयारी रहेगी, कैसे माने कितना, और अपना खुद का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या और भी कोशिश करेंगे कि इस रिकॉर्ड को बढ़ाएं आगे, क्योंकि अभी वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रही है मेरी, तो कोशिश करेंगे कि आने वाले एशियन गेम्स में या फिर 24 पैरालंपिक्स में जो पेरिस में ही होंगे वहाँ पे अपने रिकॉर्ड को बढ़ाएं। अन्य दिव्यांगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक दिव्यांगता को परास्त करके आप यहाँ तक आए हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी कम नहीं हो, अगर जो आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तो आप सबके बराबर हो, बढ़ के ही हो। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुँचे थे अभी आपके गाँव में, तो किस प्रकार का कार्यक्रम रहा है? काफ़ी अच्छा कार्यक्रम रहा, सीएम साहब आए गाँव में, गाँव के लोगों से मिले, मान सम्मान बढ़ाया गाँव का, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 8.5 साल में स्वच्छ सरकार के तौर पर काम किया गया है, भ्रष्टाचार से दूर रहने वाली सरकार रही है, और वहीं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर नकेल कसने वाली सरकार बीजेपी पार्टी है, प्रदेश में पारदर्शी वाली सरकार है। वहीं प्रदेश की सरकार ने नौकरियों, तबादलों, सीएलयू में पारदर्शिता के साथ काम किया है। सीएम साथ ही ये भरोसा दिलाते भी नजर आए कि उनके प्रयासों से ये सब संभव हो सका है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।